नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल, और आज दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठकर हम बात करने वाले हैं रेडियो की। जी हाँ, रेडियो, जिसका नाम सुनते ही आपके मन में ध्यान आते होंगे कुछ गीत, कुछ संगीत, कुछ ऐसी बातें जो आपके मन को लुभा लेती है, लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, हम रेडियो से पहले एक शब्द और लगाने वाले हैं, दैट इज कम्युनिटी रेडियो। और क्यों कम्युनिटी रेडियो, आज की आवश्यकता है, क्यों विकसित भारत के निर्माण के लिए, जहां हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, वहां पर कम्युनिटी रेडियो की इतनी महत्ता क्यों हो जाती है कि हम आज ये कार्यक्रम आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम उसकी बात करने वाले, इंट्रोडक्शन कराता हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथियों का। हमारे साथ में श्रीमान गौरी शंकर जी केसरवानी साहब, आप एडिशनल डायरेक्टर हैं INB मिनिस्ट्री में। सर, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ मैम है श्रीमती अर्चना कपूर जी, आप संस्थापक हैं स्मार्ट एंड रेडियो मेवात की। मैम, आपका भी बहुत स्वागत, नमस्कार। मैम, अगर आपसे शुरू करूं, बिकॉज हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो पांच प्रश्न होते हैं, दैट इज कब, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। तो फर्स्टली कम्युनिटी रेडियो, बिकॉज रेडियो तो लोगों में बड़ा पॉपुलर है। आप प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो वो भी रेडियो के माध्यम से करते हैं, लेकिन हम एक शब्द जोड़ देते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी से लोग अपना अपने अपने हिसाब से एक मतलब निकालते हैं। तो वो मतलब और आप जो सोचती हैं कम्युनिटी रेडियो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया निधीश जी, हमें आपने अपने शो में बुलाया उसके लिए, और वो भी एक ऐसे माध्यम के बारे में बात करने के लिए, सामुदायिक रेडियो, जो आज मतलब 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सामुदायिक रेडियो के कॉन्सेप्ट को इंडिया में चलते हुए इनफैक्ट 22 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग इससे परिचित नहीं हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सामुदायिक रेडियो, कॉमर्शियल रेडियो और प्राइवेट रेडियो, जिसको प्राइवेट रेडियो तो सभी जानते हैं कि ये FMs हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स हैं और हम लोग उनको FM चैनल के माध्यम से ज़्यादातर एड्रेस करते हैं। फिर जो पब्लिक रेडियो है वो ऑल इंडिया रेडियो है, वो सभी जानते हैं कि वो एक सरकारी चैनल है, वो सबके हित में काम करते हैं, सबको जानकारी देते हैं, और सरकार भी उसका इस्तेमाल करती है अपनी स्कीमों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए, और उनका भी कवरेज बहुत है। और फिर तीसरे टियर पे आते हैं सामुदायिक रेडियो, जो कि एक बहुत छोटी कम्युनिटी, जिसको कि आपने जैसे कहा कम्युनिटी रेडियो, तो ये शब्द भी वहीं से आया है कि एक छोटे समुदाय में 100 पावर के ट्रांसमीटर के साथ आप एक कमिटेड कम्युनिटी को रीच करते हैं। इसके कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो कि और रेडियो से भिन्न हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसमें ये है कि ये जो सामुदायिक रेडियो है, एक लो पावर ट्रांसमीटर के माध्यम से चलाया जाता है। इसका जो पूरा सेटअप है, एक तरीके से एक बड़े रेडियो का एक छोटा सा बच्चा ही है, एक तरीके से कहेंगे। हमारे पास भी एंटेना होता है, हमारे पास भी टावर होता है, हमारे पास भी ऑन एयर फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन हमारा टारगेट एरिया जो होता है वो 15 से 20 किलोमीटर दूर तक के दायरे में ही होता है। आपने निर्माण की बात करी, अगर हम अपने देश को देखें तो हम लोग 1.4 बिलियन लोग हैं, हमारे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है। तो अगर हम 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस भी अगर लेते हैं, और जैसे कि मैं रेडियो में बात चलाती हूँ नूह में, तो अगर हम केवल 15 किलोमीटर का दायरा भी लें तो उसमें लगभग 160 गांव मौजूद हैं, और यदि हम 2011 के सेंसस में भी जाएं तो 5,55,000 प्लस लोग वहां पर रहते हैं। अगर इस कम्युनिटी की ज़रूरतें, इस कम्युनिटी की आवाज़, इस कम्युनिटी के मुद्दों को हम अपने रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं उसी कम्युनिटी के बीच में, तो हम एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं। Exactly. और उनको हम ये जो पूरा एक विकास का जो माहौल बना हुआ है, एक देश के निर्माण का जो माहौल बना हुआ है, उसमें भागीदार बनाते हैं। क्योंकि सरकार बहुत काम करती है, सरकार के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं लोगों को पावर्टी से ऊपर उठाने के लिए, लोगों तक स्कीमों, लोगों को मद्देनज़र रखते हुए स्कीम्स बनाने के लिए, लेकिन उन तक ये बात पहुंचती नहीं। जो जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है
वहाँ सामुदायिक रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये वो माध्यम है जो एक तो टू ट्रैक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, सामुदाय ही प्रोड्यूसर है, सामुदाय ही लिसनर है। दूसरी बात यह है कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टूल है, जिसका कि अभी लोगों ने इसको समझा नहीं है और लोगों ने इसके महत्व को जाना नहीं है। बहुत अच्छी बात की मैम, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और मैं थोड़ा सा इस सर के पास भी इस चीज को लेकर के जाना चाहूंगा, बिकॉज सर INV मिनिस्ट्रीज हैं। और सर अगर हम थोड़ा देखें कि मैम ने जैसे बात की कि आकाशवाणी की बात की, FM चैनल्स को भी लोकल विंडो कहा जाता है, तो लोकल विंडो का तो मतलब ही ये होता है कि आप उन लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। और आकाशवाणी तो कहाँ नहीं है, मतलब भारत जिसे कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है, तो गांव-गांव में आज भी रेडियो सुना जाता है। तो ऐसे में वहाँ आकाशवाणी ऑलरेडी है, शहरों में FM लोकल विंडो है, न केवल आकाशवाणी के FM स्टेशंस बल्कि प्राइवेट FM स्टेशंस भी एक एक शहर में दो दो चैनल एक ही कंपनी के होते हैं। तो फिर कम्युनिटी रेडियो जो है उसकी आवश्यकता हमें पड़ रही है, और वो जिस कम्युनिटी के लिए है वो किस तरीके से वर्किंग एरिया उसका क्या आ जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए कम्युनिटी रेडियो की जो खास बात है वो ये है कि वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग अपनी लोकल लैंग्वेज, वेरी वेरी लोकल, वेरी हाइपर लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में करती है। उड़ीसा में ऐसा नहीं कि सब सब्जी की उड़िया ही बोली जाती है, उड़िया उसके कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि ऐसी बोली बोली जाती है जहाँ पे उड़िया बोलने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो आप जैसा आपको पता ही है कि हर एक कोस्ट पे पानी चेंज होता है और 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज बोली चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कम्युनिटी रेडियो उस लोकल लैंग्वेज में उस समुदाय की बात करता है जो उस समुदाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इससे जो अगर कोई अपनी भाषा में कोई ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, कोई रेडियो सुना जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर है जनमानस पे ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई नेशनल रेडियो है जो नेशनल बात कर रहा है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि आकाशवाणी लोकल लेवल पे बातें करता है, लेकिन ये और भी माइक्रो लेवल का रेडियो है जिसमें कि लोकल मुद्दे, लोकल परेशानियाँ, लोकल एक्सपर्ट्स वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो उसमें वॉइस ऑफ पीपल को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करता है। तो इस मामले में ये भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली माध्यम बन रहा है। सर थोड़ा सा बात फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो क्योंकि मैम ने 20 साल की बात की थी, पिछले 20 साल से हम इस चीज में हैं, तो इस समय पूरे भारत को अगर हम देखें तो कितने कम्युनिटी रेडियोज हमें दिखाई दे रहे हैं, और क्या वो जो रेडियोज दिखाई दे रहे हैं वो चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मिडिल में, मध्य भारत की अगर हम बात करें, सुदूर एरियाज की, रिमोट एरियाज की बात करें जहां पर कनेक्टिविटी आज भी उतना नहीं है, तो कहां पर ये ज्यादा है, कितने हैं? अभी पूरे भारतवर्ष में 512 रेडियो स्टेशन ऑपरेशनल हैं और पिछले 3 या 4 सालों में इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हम पाते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा रेडियो स्टेशन, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है, उड़ीसा में काफ़ी रेडियो स्टेशन आए हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान जैसे प्रदेश में, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ है लेकिन उतने रेडियो स्टेशन नहीं, राजस्थान में अगर हम देखें तो अभी भी एवरेज नंबर 28 के आसपास रेडियो स्टेशन हैं। तो मंत्रालय का उद्देश्य है कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कि इन कम्युनिटी रेडियो का में इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुँच कम है एज़ कम्पेयर टू, तो वहाँ पर ये रेडियो सेटअप हो। इनफैक्ट इसी श्रृंखला में ये जो कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि अभी जयपुर में हो रहा है, 2 दिन के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो संस्थान कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उनको बुला करके बताते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके तहत आप एक छोटे से कम इन्वेस्टमेंट में जो है छोटा सा रेडियो लगा सकते हैं, आप अपने कम्युनिटी के लिए जो काम किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है उसको आप और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस तरह की सरकार की उद्देश्य है कि स्पेशली ऐसे एरियाज में जो जिसको मीडिया डार्क डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो का प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि आप मैम के पास एक बात कर लेता हूँ उसके बाद में कि भाई सेटअप जो आपने बात की तो सेटअप कैसे करना है, बिकॉज बहुत लोगों की इच्छा हो सकती है, बहुत कम्युनिटीज़ की इच्छा हो सकती है हम करें, लेकिन वो उनकी पहुँच नहीं है इस कार्यक्रम के माध्यम से, शायद वो लोग जान पाए और उनकी इच्छा जो है पूर्ति हो पाए। मैम थोड़ा सा रेडियो में बात, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा पिछले बहुत सालों में, तो जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हमें कोट करने चाहिए एग्जाम्पल्स, तो रेडियो मेवात के माध्यम से थोड़ा बताइए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पर कहीं से शुरू करती हूँ। देखिए चैलेंजेस से मैं पहले शुरू करती हूँ और फिर मैं अचीवमेंट्स पे आती हूँ। चैलेंजेस काफ़ी हैं
लेकिन उसमें क्या है कि समुदाय को समझ में नहीं आता है पहले, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, महिलाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और लोगों को लगता है कि काफ़ी हद तक और रेडियोज़ की तरह है जहाँ पर जो प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं की आवाज़ें आएंगी, तो लोगों को ये बताने के लिए नहीं, ये सबके लिए है और सबका साथ लिटरली यू नो सबके विकास के लिए ये रेडियो यहाँ पर है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और महिलाओं को खास तौर पे, और आपने मेवात की बात करी तो आप सभी जानते हैं कि नूह एक बहुत ही बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी आई वुड से यू नो डिस्टर्बिंग है इन अ सर्टेन वे, क्योंकि पढ़ाई का उनके पास तो उतनी है, अब तो थोड़े थोड़े मतलब महिलाएं निकल के आने लगी हैं, तो महिलाओं को जोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो एक वो सब चैलेंजेस है जो हमने, अब हमें 14 साल हो गए तो हमने बहुत हद तक ओवरकम कर लिया है, और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष कम हैं हमारे रेडियो स्टेशन में, जो कि स्वयं एक बात सामने लाता है। जहाँ तक आपने अचीवमेंट्स की बात करी तो हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है कि उसमें से 2 महिलाओं ने आपके पंचायत इलेक्शंस लड़े हैं। जो महिलाएं बोल नहीं पाती थीं आज वो वहाँ की आइडेंटिटी हैं, उनको बुलाया जाता है 15 अगस्त के दिन, स्कूलों में उनको इनवाइट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट से इनवाइट आता है कि वो आके वहाँ झंडा फहराएं और लोगों को मोटिवेट करें। अगर हम थोड़े से साल पहले जाते हैं, अगर कोविड की हम बात लें, और कोविड में मुझे लगता है कि पूरे देश के सामुदायिक रेडियोज़ ने बहुत बहुत बड़ी भूमिका अदा करी, और ये एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी हुआ जिसमें निकल के आया कि जहाँ जहाँ सामुदायिक रेडियो काम कर रहे थे वहाँ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ वायरस वॉज 8% लेस कम्पेयर टू जहाँ पर कि केवल टीवी और प्राइवेट चैनल्स थे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हुई थी, पर हम लोग उस पूरे कैंपेन से जुड़े हुए थे इसलिए हमें मालूम है, और हम लोग उस समय 200 सम स्टेशन थे और 190 के साथ हमने काम किया था। कोविड के दौरान बहुत सारी मिथ्स थी, बहुत सारे भ्रम थे, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, रोज़ के हिसाब से कुछ नई बात निकल के आ रही थी। उस समय एक जो स्टेबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो सामुदायिक रेडियो था, क्योंकि ये हम फ्लाई बाय नाइट नहीं है, हमारे लोग वहीं के हैं, उसी समुदाय से हैं, जैसे कि केसरवानी साहब ने बताया, उसी भाषा में बात करते हैं, नुआंस्ड भाषा में बात करते हैं, तो उनकी पहुंच, उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमारे स्टेशन में भी वही डर थे, लोग तो कम्युनिटी के हैं, वो भी वैक्सीनेशन नहीं ले रहे थे, बहुत सारे थे कि आपने पैसे दे के लिए तो आपका जेन्युइन है, हमको फ्री में मिल रहा है तो हमारा पानी है, ये हो रहा है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि बहुत इस पर चर्चा हो चुकी हैं। तो जब हमारे वहाँ CMO हमारे स्टेशन पर आए एक प्रोग्राम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं तभी प्रोग्राम करूँगा, बताओ तुम में से किस किस का वैक्सीनेशन हो गया है, किसी का भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा, मेरी गाड़ी खड़ी है, आप लोग जाइए वैक्सीनेट होकर के आइए। सब लोग बहुत डरे हुए थे लेकिन रेडियो तो चलाना है, तो वो लोग गए और वैक्सीनेशन करा के आए, उसमें 4 लड़कियाँ थीं, उन्होंने आके बहुत कहा, हमें भी फ़ोन कहा कि अगर मेरी शादी नहीं हुई, अगर मेरे बच्चे नहीं हुए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ तक मिथ्स थे। लेकिन हुआ ये कि एक पीरियड के बाद जब उनको ना बुखार आया, ना उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी, ना कुछ उनके अंदर कुछ उनको ऐसा लगा, वही स्पोक्स पर्सन बन गए वैक्सीनेशन के। 78 विलेजेस में रेडियो मेवात ने 100% वैक्सीनेशन कराया। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई DC के साथ, उसमें उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जी को 2 बारी बोला कि सर रेडियो मेवात का भूमिका इसमें बहुत रही है लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। तो जब आपके लोग आपके सामने खड़े होके अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ आपसे ये कहते हैं कि ये स्कीम आपके लिए, आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने, आप अपना अकाउंट खुलवाइए, आप वैक्सीनेशन आयुष्मान कार्ड बनवाइए, तो इस तरीके की जो चीज़ें एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए जो कि उतने प्रिविलेज नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि सामुदायिक रेडियोज का एक एक आई थिंक यू नो अनकम्पेरेबल अनकम्पेरेबल की बात की है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि आपने सेटअप की बात की थी और हम सब लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति को 2 रोटी खानी होती है, अपना परिवार भी पालना होता है, तो हम कितना भी सामाजिक काम क्यों ना करें लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपना व्यवसाय भी देखना होता है। तो रेडियो चल रहा है तो रेडियो में जैसा नाम ने कहा कि कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, अब कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनका खर्च भी होगा, आपको उनको देना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे तय होंगी? नहीं, बहुत सही पूछा आपने, क्योंकि हाँ अगर रेडियो सस्टेनेबल नहीं होगा तो कैसे चलेगा,
क्योंकि रेडियो कमर्शियल तो है नहीं, विज्ञापन भी नहीं आएंगे आई थिंक शायद, तो सरकार ने इसकी व्यवस्था करके पॉलिसी गाइडलाइन ये अलाउ करती है कि वो लोकल एडवर्टीजमेंट कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई कम्युनिटी रेडियो ऑपरेशनल हो जाता है उसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक विभाग है उसे इम्पैनल कर दिया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर इम्पैनल रहते हैं, टेलीविजन चैनल इम्पैनल रहते हैं, तो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट भी उन्हें मिलते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ भी वो एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे उस लोकल स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल कम्युनिकेशंस हैं जो सीधे जनता तक पहुंचानी है वो बात पहुंच पाए, तो इस माध्यम से उन्हें कुछ निर्धारित रेट पे उनको एडवर्टीजमेंट भी मिलते हैं और साथ ही साथ वो तय होती है और एक 12 मिनट तक का एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं जिससे कि एक बैलेंस भी बना रहे और इस प्रकार से। और सबसे पहली बात कि सेटअप करने के बाद गवर्नमेंट एक मुश्त सहायता देती है और समय समय पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्मार्ट भी सोशल मीडिया कैंपेन्स जो होते हैं, सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ कि जो सोशल सेक्टर के कैंपेन्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है या हेल्थ का है, तो वहाँ से जो कैंपेन आते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन का जो कैंपेन होता है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, इस प्रकार के प्रोग्राम्स को भी ये लोग ब्रिज करते हैं जिससे कि ये कम्युनिटी रेडियो सस्टेन हो पाए। और चूंकि कम्युनिटी से निकला हुआ प्रोग्राम ही चलता है तो सारे कम्युनिटी लोग सुनते हैं और उसके माध्यम से गवर्नमेंट भी वहाँ तक पहुँच पाती है। सर जो आपने कहा कि एक मुश्त सपोर्ट आफ्टर सेटअप होता है, लेकिन सेटअप में कितना खर्चा? हाँ, सेटअप में अमूनता अगर एक साधारण सेटअप है जिसमें कि सभी इक्विपमेंट जो एसेंशियल हैं वो लगे, 10 से 15 लाख रुपए का सेटअप होता है जिसमें आउट ऑफ दैट एक बार जब सेटअप हो जाता है तो 10 लाख रुपए एक मुश्त सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य है सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट इन इंडिया करके एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, उसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े क्योंकि वो कम्युनिटी की भलाई के लिए जुड़ रहे हैं, तो सरकार भी चाहती है कि वो कम्युनिटी के लिए सेटअप करके कम्युनिटी तक पहुंचे। ये जो सेटअप होता है ये पूरी तरह से ओन्ड एंड ऑपरेशनल बाय ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, जैसे कोई स्वयंसेवी संस्थान है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल एंटिटी है वो लोग सेटअप कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग समय समय पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं कि आप लोग इस स्कीम के बारे में जानिए और आकर के अपने कम्युनिटी के लिए भलाई के लिए आप खुद कम्युनिटी का एक पार्ट बनकर के। सर कई बार ऐसा हमारे जैसे राजस्थानी में कहावत होती है, लेकिन कहते हैं हम लोग कि ना एकला चालो, तो किसी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति का मन में आया कि आई कैन पुट लाइक 10 to 15 lakhs मैं कर सकता हूँ और मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, उसका कोई संगठन नहीं है लेकिन उसका एक अच्छा भाव है, तो वो कर सकता है? नहीं कर सकता है क्योंकि कहते हैं कि जब ये जो कम्युनिटी रेडियो वो इंडिविजुअल नहीं ले सकता क्योंकि ये मान के चलना है कि उसको कम्युनिटी के साथ करना है, तो जरूर से उसको एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कम से कम 3 साल उसका कम्युनिटी वर्क हो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक एनजीओ बनाया और कल मैं, हाँ नहीं, तो इसमें मेन इसका इंटेंट 3 ही है, एक तो ये एक संस्थान कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि, और दूसरा उसका कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्क दिखना चाहिए, तभी इनफैक्ट इसका उद्देश्य भी है कि तभी वो कम्युनिटी के बीच में जाकर के उनके उनकी बातों को रख पाएगा, नहीं तो वो अलूफ होकर काम कर नहीं सकता है। तो ये है इसका। जी मैं थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी पे बात करना चाह रही थी। देखिए ये हमें मानना पड़ेगा कि सस्टेनेबिलिटी इज अ चैलेंज, क्योंकि DAVP के भी एड्स ऐसा नहीं है आपको हर महीने मिल रहे हैं या पेमेंट आपको समय पे मिल रहा है या आपको बहुत ज्यादा समय के लिए चलाने के लिए मिल रहे हैं कि आपको फुल मंथ कैंपेन मिल गया 10 बार ही चलाइए और समथिंग। हालांकि 7.5 रुपये पर सेकंड है लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है, जो उसकी पीरियोडिसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। हमारा तो एक ही मानना है क्योंकि अब हम 14 साल से चला रहे हैं और इसको सस्टेन भी कर रहे हैं तो और चैनल की पूर्णिमा आने वाली है। नहीं, और हम बिल्कुल और हम तो सोचते हैं वनवास खत्म होने वाला है तो हम ये सोचते हैं कि देखिए ये एक आपको पैशन जरूरी है और जब आप एक स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं या अपना रजिस्टर करते हैं तो आपके, मुझे ये लगता है कि आपके मन में कॉमर्स नहीं होता है, आपके मन में एक सामुदायिक कम्युनिटी होती है और जैसे आप उसके लिए पैसा रेज करते हैं तो उसी तरीके से IEC का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का जो एक कंपोनेंट होता है, तो आप कम्युनिकेशन के साथ इसको जोड़ सकते हैं और जो आप घर घर जाके काम करते थे उसको आप रेडियो के माध्यम से एक बहुत बड़े दायरे में
पहुंच सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड ऑल्सो योर कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट रिड्यूसेस, क्योंकि आपका जो आप मैन पावर इकट्ठा करते हैं, जो आप लोगों को जाते हैं और आप करते हैं, तो वो आप एक प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर देके कम्युनिटी के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक जो लगता है कि ये और सस्टेनेबल एक माध्यम बन सकता है यदि इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। अभी तक भी जैसा मैंने आपसे कहा कि 20 साल हो गए हैं कम्युनिटी रेडियोज़ के बारे में, आज भी जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, तो उसमें हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और हमें सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार माध्यम ढूंढती रहती है, तो सरकार को भी इसको एज अ माध्यम लेना पड़ेगा। और मेरा ये आग्रह है राजस्थान सरकार से, क्योंकि हालांकि हम राजस्थान में नहीं काम करें लेकिन यहाँ 28 स्टेशंस हैं, तो यदि आपका कोई विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कार्यक्रम होता है, हेल्थ का कार्यक्रम होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, जो भी आपके कार्यक्रम है, तो आप इसको भी एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम 90% कम्युनिटी मानते हैं, 10% रेडियो मानते हैं, तो यदि आप समुदाय तक पहुँचना चाहते हैं और समुदाय आपका मकसद है कि वो उसका अपटेक बढ़े, वो आपके पास आए, तो आप इसको एक्सप्लोर करिए, इसको एक्सप्लॉइट करिए, इसका इस्तेमाल करिए और जन जन तक पहुंचने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली सर, मैम ने जो एक सस्टेनेबिलिटी की बात की थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 500 प्लस स्टेशन की हमारी बात हुई है, 28 स्टेशन रेडियो राजस्थान में भी बात हुई है, तो जितने खुलते हैं और कितने सस्टेन करते हैं, उसमें कितने लंबे समय तक वो चल पाते हैं, और कितने स्टेशन ऐसे होंगे जो लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं, उसकी क्या कारण है? सस्टेनेबिलिटी का इशू तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्टार्ट हुए और बंद हो गए उनकी संख्या कम ही रही है। ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि करीब 100 स्टेशन शुरुआत से अगर हम देखें, 100 स्टेशन ऐसे जिनको परमिशन दी गई वो सेटअप नहीं कर पाए, या मान लीजिए कि वो चलाने के बाद बंद करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब ये सस्टेनेबिलिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लोग पीयर रिव्यू से एक दूसरे से सब सीख रहे हैं और जैसे जैसे कम्युनिटी से इंगेज कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही धीरे धीरे। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि लोग सीख भी रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा पॉइंट, बिकॉज सोशल मीडिया की बात आ रही है लगातार, तो फिर हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और इंटरनेट भी है, तो वो वहाँ पर वो सब चीज़ें सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो है ना एनकैश कर रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक, मेटा हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में वो एकदम से स्विच हो कम्युनिटी रेडियो की तरफ, बिकॉज उसके पास जानकारियाँ तो सारी वहाँ से भी मिल रही हैं और अपने बहुत माइन्यूट जानकारियाँ भी मिल रही हैं, तो उसका ध्यान आकर्षण आप कैसे करेंगे वहाँ? देखिए, ये सोशल मीडिया के दौर में ये चैलेंज तो है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी रेडियो का ऑडियंस कौन है। कम्युनिटी रेडियो का ऑडियंस वो है जो पीछे रह गया है समाज में। अच्छा, अंत्योदय, हाँ, जिसके बाद लास्ट पहलू जो पीछे रह गया उसको हमें आगे लेने की आवश्यकता है। तो जरूरी नहीं कि हर एक के लिए कम्युनिटी रेडियो सूटेबल हो, लेकिन कहने की बात है, लेकिन अगर कम्युनिटी में है वो, उसकी बातें कही जा रही है, तो निश्चित रूप से वो जुड़ेगा। लेकिन जो कम्युनिटी रेडियो का जो फोकस है वो अंत्योदय, अंत आदमी का उदय करने की आवश्यकता पे बना हुआ, उस फोकस के साथ लेकर, सबका साथ वाली बात लेकर के बना हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कम्युनिटी रेडियो अपने दायरे में जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनकी बात करता है। हो सकता है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा हो, लेकिन आप पाएंगे कि जो आपके लिए रिलेवेंट है, अब उदाहरण ले लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई रोजगार अपॉर्चुनिटी उस क्षेत्र की है, तो उसके बारे में आपको सोशल मीडिया में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन रेडियो वाला राजस्थान की बात करें तो रंगाई छपाई की बात हो सकती है, नगीने की बात हो सकती है, आपने पर्यटन की बात कर सकते हैं हम लोग उस एरिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इसको कम्युनिटी रेडियो को अलग बनाता है। और मेरा तो ये मानना है कि सभी चीज को एग्जिस्ट करती है, न्यूज़पेपर पहले था, आज भी है, भले ही सब चीज़, अच्छा, हाँ, फायदा भी है। तो हर एक के लिए अपना अपना रेंज है, अपना अपना स्पेक्ट्रम है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, प्लीज। देखिए, आप लोग, हम लोग सब, और ये सवाल हमसे बहुत बारी पूछा जाता है कि आज के माहौल में रेडियो कौन सुनता है, लेकिन रेडियो सुनने वाले लोग हैं। आपने स्वयं ही कहा कि भारत गांवों में बसता है, तो दूसरी बात यह है कि अगर हम 1.4 बिलियन लें, और ये 2023 के फिगर्स हैं कि 800 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है, उसमें से उस 800 मिलियन में भी कितनी महिलाओं के पास है फोन, ये सवाल पूछने वाला है। 200 से भी कम, तो 200 मिलियन से भी कम महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होना एक बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना एक और बात है। कितने लोगों के पास उस इंटरनेट को चलाने का और चीज़ें करने का है। तीसरी बात, अगर यूथ के हाथ में आता है तो यूथ क्या देख रहा है,
तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो अभी भी मुझे लगता है कि जब तक कि पूरा दुनिया डिजिटलाइज नहीं हो जाएगी, और ये भारत की ही बात नहीं है, आप अफ्रीका में देख लीजिए, आप ब्राज़ील में देख लीजिए, आप और बहुत सारे देशों में देख लीजिए जहाँ सामुदायिक रेडियो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं. जो यूके है वहाँ का वहाँ भी चलते हैं सामुदायिक रेडियो के, एक बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पर, बिकॉज दे आर केटरिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज. और वहाँ पर इस माहौल में अगर मैं आपसे आज पूछूँ कि आपने कुछ सोशल मीडिया पर, स्क्रोल का जमाना है लेकिन रिटेंशन, रिलेटेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज़ समय हमारे पास बहुत कम रह गया. हमने रिटेंशन की बात की और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है कि आप कितने समय तक टिक पाते हैं. मैं बहुत जल्दी से इसको क्लोजअप करें, हम इसको बाइंड अप करेंगे. जब हम छोटी छोटी ट्राइबल्स की बात करते हैं, अगर हम बात करें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा की आपने बात की, तो वहां पर मुझे लगता है रिमोट एरियाज में इसको बढ़ाने के लिए कुछ और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट चला रही हो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही फोकस है, स्पेशली रिमोट एरियाज में जहाँ पे कम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, वहाँ पे हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है. पिछले 10 सालों में बात करें तो 140 2014 में थे और आज 512 स्टेशन हो चुके हैं. तो इस तरह क्या आगे के लिए, मतलब अगर हम बात करें कि हम अमृत काल की बात करते हैं, हमने तो यह आशा रखी है कि अगर हम इस प्रकार से चले तो हर साल 100 कम्युनिटी रेडियो एडिशंस होने चाहिए. फैंटास्टिक, मुझे लगता है कि हर साल आप 100 कह रहे हैं और हम कुछ समय में हम 500 के 5000 लेकर के जाएं और हम फिर स्टूडियो में बैठे और आपसे बात करें. जी जी, दैट हम लोग को 100 के 500 और 500 के 5000. मैम आपकी क्लोजिंग वर्ड्स, आपका कोई मैसेज दर्शकों के लिए. मैं तो यही कहूंगी कि आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन अगर हम समुदाय की बात करें, सामुदायिक रेडियो की बात करें, द मोर यू इन्वेस्ट इन योर कम्युनिटी, द मोर सस्टेनेबल यू विल बिकम, द मोर रेलिवेंट यू विल बिकम, एंड द मोर वॉइसेस यू कैन ब्रिंग टू योर स्टेशन. फैंटास्टिक मैम, जितनी आवाजें आएंगी उन सब आवाजों की, वाणी की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन उस वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा, अपने समुदाय को आपको समझना पड़ेगा, अपने आपका भाव जो है, भारत के प्रति आपका भाव जो है, भारत के निर्माण के प्रति आपका भाव जो है, कि मैं भी उसमें एक शिल्पकार की भूमिका निभा रहा हूँ, मैं भी उसमें एक विश्वकर्मा की भूमिका निभा रहा हूँ, और ये भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व भाव अगर आपके अंदर आता है तो आप भी वो काम कर सकते हैं. कम्युनिटी रेडियो इसके लिए एक बहुत बेहतर प्लेस है. तो मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने उद्देश्य के लिए अपना दायित्व निर्वहन जरूर किया है, और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसके प्रति आगे बढ़ेंगे, और 500 से 5000 कम्युनिटी रेडियो की जो हमने बात की थी उसमें से एक रेडियो स्टेशन आपका भी हो सकता है. तो बहुत धन्यवाद सर आपका चर्चा में सहभागी होने के लिए, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.